हाय दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, वो मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉनसून सीज़न है, बार बार बारिश होती है, फुहार गिर रही होती है और बहुत बहुत ह्यूमिडिटी है। तो दोस्तों, ऐसे मौसम में कटिंग बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है, ग्रो कर जाती है। छोटे पौधे लाएँ आप और उन्हें दूसरे पॉट में शिफ्ट कीजिए तो आपके पास न्यू प्लांट भी बन जाते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारी कुछ न्यू शॉपिंग। दोस्तों, लॉकडाउन है और COVID-19 की वजह से शॉपिंग पे जाना या किसी रिलेटिव के घर जाना मुनासिब नहीं है, लेकिन नर्सरी पे जाके आप छोटे प्लांट ला सकते हैं और ख़ुद को बिज़ी रख सकते हैं, मसरूफ़ रख सकते हैं। एक अच्छा वर्क है ये दोस्तों। तो ये देखिए मेरी न्यू शॉपिंग, ये है वेरीगेटेड अजवाइन पत्ता। इसे खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसे दोस्तों बाज़ लोग देसी ओरिगानो भी कहते हैं। और ये देखिए इसकी कितनी खूबसूरत ये लीव्स हैं। ये न्यू वैरायटी आई है दोस्तों नर्सरीज पर, तो हमने भी एक ये प्लांट भी परचेज़ किया और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हमें ये प्लांट मिल गया। तो दोस्तों, इसकी कटिंग से हम कई प्लांट बना सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे कि कितनी आसानी के साथ वाटर के थ्रू भी इसकी कटिंग ग्रो कर जाती हैं और आप सोइल में भी डायरेक्ट छोटी सी कटिंग लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह ये एक नया प्लांट बन जाएगा। इसके साथ दोस्तों, एक लिया हमने ये चाइना रोज़, बहुत बिग फ्लावर आता है और आप ये देखिए, ये उल्टी तरफ से इसके फ्लावर में ये येलो कलर आता है, बहुत बड़ा फ्लावर खिलता है। अक्सर इसकी पेटल्स में भी ये येलो कलर आ जाता है दोस्तों। ये हिबिस्कस मेरे पसंदीदा फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, हर मौसम में दोस्तों फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। विंटर सीजन में अगर ये फ्लावर नहीं भी देते हैं तो इनकी ये ग्रीन जो लीव्स हैं ये हमारे गार्डन को एक ग्रीन लुक देती हैं, बहुत शाइनी और बहुत खूबसूरत इसकी ये ग्रीन लीव्स होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक लीफी प्लांट हमने और भी परचेज़ किया है, देखिए छोटे से पॉलीथीन बैग में लगा हुआ है। ये दोस्तों एक ट्री बन जाता है, साया देने वाला एक ट्री बनता है। इसके लीव्स मुझे बहुत खूबसूरत लगे, देखिए बीच में इसकी कैसी रेड कलर की ये इसकी वेंस आ रही हैं। इसके दोस्तों मैंने 2-3 पॉलीथीन बैग लिए हैं, इसको भी हम रिपोर्ट करेंगे तो रिपोर्टिंग पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों, मैंने एक ये प्लांट लिया है, इसे कहते हैं दोस्तों देसी कीकर का प्लांट, इंग्लिश में इसका नाम कुछ और है। तो फ्रेंड्स, पहले हम सर्च करते हैं, कुछ प्लांट के नाम हमें नर्सरी वाले भी बता देते हैं और कुछ को हम दोस्तों एक ऐप डाउनलोड करके उन प्लांट का साइंटिफिक नेम मालूम करते हैं और फिर वो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाते हैं। इसीलिए बार बार कहते हैं कि प्लीज़ आप किसी का भी चैनल में जाके कोई प्रोग्राम देखें तो वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए। हर किसी की दोस्तों एक मेहनत होती है उस वीडियो के पीछे, तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए वीडियोस को और मेरे चैनल को भी प्लीज़ स्मॉल गार्डन विद आरजे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि हर फैमिली एक प्लांट ज़रूर लगाए आने वाले वक्त में, ताकि फ़ज़ा अच्छी रहे, पोल्यूशन से पाक हो और हमारे आसपास का माहौल एयर प्योरीफाइंग रहे, एयर अच्छी रहेगी तो दोस्तों फ़ज़ा अच्छी रहेगी तो सबकी सेहत भी अच्छी रहेगी। इसलिए सबको प्लांट लगाना चाहिए, एक प्लांट फी फैमिली ज़रूर लगाए। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लांट बहुत ज़्यादा महंगे हों, कुछ प्लांट दोस्तों साया देने वाले होते हैं। आपके घर के सामने कोई ग्राउंड है, पार्क है या आपकी गैलरी में थोड़ी सी भी कच्ची ज़मीन या कोई क्यारी है तो आप उसमें भी प्लांट लगा सकते हैं। ऐसे एयर प्योरीफाइंग प्लांट लगाइए जिनसे एयर जो है साफ़ सुथरी रहे और आपकी फैमिली भी सेहतमंद और खुश खुर्रम रहे। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम इस तरफ, ये देखिए, ये है कनेर, डार्क पिंक कलर का कनेर का प्लांट, एक हर्बल प्लांट है दोस्तों। कॉस्मेटिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है और गार्डन में भी देखिए इसके फ्लावर्स गुच्छों की सूरत में आते हैं। जितना बड़ा प्लांट होता है दोस्तों,
एक बुश बनता जाता है गोल घेरा, और इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है कि आप बस देखेंगे तो देखेंगे कहीं आपको ये एक बड़ा प्लांट लगा हुआ नज़र आए। तो बहुत सारे कनेर के कलर आते हैं, वाइट कलर, डार्क पिंक, लाइट पिंक, येलो कलर। तो दोस्तों कनेर प्लांट भी एक हार्डी प्लांट है, गर्मियों में समर सीज़न में फुल फ्लावरिंग करता है, जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और उस वक्त बहुत से प्लांट अपनी फ्लावरिंग को रोक देते हैं, उस वक्त भी दोस्तों कनेर प्लांट जो है फ्लावर प्रोड्यूस करता रहता है। और इसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है मदर ऑफ थाउजेंड। दोस्तों एक अमेजिंग प्लांट है, आप देख रहे होंगे कि इसकी लीव्स के किनारों पर छोटी छोटी सी ये आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये देखिए, ये भी दोस्तों इसके छोटे छोटे से बेबी प्लांट हैं, ये सोइल पे गिरते हैं और वहाँ से एक न्यू प्लांट बन जाता है। जैसे कि ये देखिए, ये छोटा सा प्लांट आपको नज़र आ रहा है, ये इन लीव से बेबी गिरा और शायद इसीलिए इन प्लांट्स को मदर ऑफ थाउजेंड कहते हैं, क्योंकि इसकी पूरे लीफ पे दोस्तों किसी फ्रिल की तरह ये सारे लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे से बेबीज़ खुद ब खुद गिरते हैं और खुद ही प्लांट ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों इस पौधे से भी बहुत से प्लांट बना सकते हैं आप, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं। ये भी दोस्तों मुझे बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल गया है और बहुत अच्छा और प्यारा प्लांट है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ न्यू शॉपिंग, इन प्लांट्स को हम रिपोर्ट करेंगे तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह इन प्लांट्स को हम रिपोर्ट कर सकते हैं। और एक ये है मेरा न्यू शॉपिंग में एलमंडा प्लांट, 1.5 साल से मेरा ये प्लांट नर्सरी पे रखा हुआ था और कल ही हम इसे इन प्लांट्स के साथ लेकर आए हैं। दोस्तों इस पर मैंने एक छोटी सी स्टोरी भी डाली है तो आप वो देखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी इस पिंक एलमंडा प्लांट पर। दोस्तों एक बिग साइज़ का मैंने पॉट भी लिया है, उसमें मैं अपनी एक बिग साइज़ बोगनवेलिया को भी रिपोर्ट करूँगी। और कुछ मैंने ये देखिए खाद और मिट्टी ली है, ये खाद और मिट्टी जो है दोस्तों न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है, पुरानी खाद और भुरभुरी बालू मिट्टी। इसमें मैं कुछ सैंड और कुछ फर्टिलाइज़र ऐड करके अपने इन प्लांट्स को रिपोर्ट करूँगी। इसके साथ ही दोस्तों अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। दोस्तों मॉर्निंग हो चुकी है, लोग अपने कामकाज में मसरूफ़ हैं, गली में अक्सर वेजिटेबल वाले आ जाते हैं और आसपास का शोर शराबा सुनाई दे रहा होता है, तो प्लीज़ आसपास की आवाज़ों को अवॉइड कीजिए। दोस्तों ये तो नेचर है, सुबह होते ही सब अपने कामकाज में लग जाते हैं, परिंदों की आवाज़ें भी होती हैं, अक्सर कोई डॉगी चीखता हुआ चला जाता है, वेजिटेबल वाले आ रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें सेल करने वाले भी गली से गुज़र रहे होते हैं। ओके फ्रेंड्स।